guys, and welcome to Hassan N. So, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे ये सब लोगोस, ये पर्सनली हमने खुद बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो के लिए. तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. चलें बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. आज का टॉपिक है सोशल मीडिया की कुछ ऐसी एप्स जो आप सभी को ही तकरीबन पता होंगी. सबसे पहले शुरू करते हैं गूगल. गूगल एक ऐसी अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है जो सुंदर पिचाई ने बनाई और ये फाउंड हुई सितंबर 4, 1998 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस और लैरी पेज सर्जी रे. चले अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्विटर. ट्विटर एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो जिस पे आप पोस्ट करते हैं मैसेजे, जिसको हम लोग कहते हैं ट्वीट्स. इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी. ये फाउंड हुई मार्च 21, 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में. इसके हेडक्वार्टर हैं सैन फ्रांसिस्को. फाउंडर हैं इसके जैक डॉर्सी, नो क्लास बिटस्टोन और एवन विलियम. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चीज की तरफ जो कि है फेसबुक. फेसबुक के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे. फेसबुक एक ऐसी अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है जो फाउंड की मार्क जकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ और इसके फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, एंड्रयू मैक्लियम, क्रिस ह्यूज और उनके और दोस्त. और ये फाउंड हुई फरवरी 2004 को कैम्ब्रिज यूएस में. इसके हेडक्वार्टर हैं मेनलो पार्क और कैलिफोर्निया और इसके सीएफओ हैं डेविड वेहन्स. फेसबुक की एक और ऐप जो फेसबुक ने खुद लॉन्च की है उसका नाम है इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम एक ऐसी फोटो और वीडियो शेयरिंग नेटवर्क है जो फेसबुक ने खुद बनाई है. ये बनाई गई है केविन सिस्टम और माइक कैरीजियर ने और फेसबुक ने इसको लॉन्च किया था 6 अक्टूबर 2010. अब चलें हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है स्नैपचैट. स्नैपचैट एक ऐसी मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है जिसको बनाया इवन स्पाइजल, बॉबी मॉर्फी एंड एजी और ये लॉन्च हुई सितंबर 2011 को. चलें अब हम बढ़ते हैं मैसेंजर की तरफ. मैसेंजर एक ऐसी ऐप है जो फेसबुक ने डेवलप की थी जिस पे आप अपने अजीजों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से बातें कर सकते हैं और उनसे फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं. इसकी रिलीज डेट है अगस्त 9, 2004. और चलें हम व्हाट्सएप की तरफ. व्हाट्सएप एक ऐसी फ्रीवेयर और क्लोज प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप है और ये खुद फेसबुक ने लॉन्च करी है. क्रोम एक ऐसी क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि खुद गूगल ने बनाई है और ये रिलीज हुई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट के लिए. अब चलें हम आईमो की तरफ बढ़ते हैं. आईमो इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हम इसका आपको इसका थोड़ा सा तारुफ कराते हैं. और इसको कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा. और इस वीडियो पे हम एम करते हैं 5K लाइक्स, तो जाके अभी लाइक्स कर दीजिए. आपके लाइक्स आते हैं तो हमें अच्छा लगता है. और अगर आपकी अगली वीडियो के बारे में कुछ राय है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए अल्लाह.